तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि जो लोग यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, उनको पता है यूट्यूब क्रिएटर बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट ऐप है यूट्यूब क्रिएटर का, जिसमें आप अपनी अर्निंग को देख सकते हो, आप अपने सोर्स को देख सकते हो, आप अपने व्यूज़ को देख सकते हो, और टोटली रेवेन्यू कितना हो रहा है आप वो उसमें देख सकते हो। तो आज की वीडियो में यही बात बताने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब का जो यूट्यूब बीटा स्टूडियो का एक नया वर्जन आ चुका है, क्या क्या उसमें खास है और किस तरह से वो काम कर रहा है उसके बारे में आज जान लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना यूट्यूब क्रिएट स्टूडियो बीटा यहाँ पर खोल लिया है। तो देखिए YT स्टूडियो है, मैंने ओपन कर लिया है। तो कुछ इस तरह से अब इंटरफेस बन के आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। और आपकी जो वीडियोज़ है अब उस माध्यम से इसको बताने की, जैसे कि आपकी लास्ट वीडियो जो थी वो ये डली थी, उस वीडियो के टोटल जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर बता रहा है। जैसे कि व्यूज़ जो हैं वो लगभग 396 व्यूज़ हैं, एवरेज जो इसकी ड्यूरेशन है वो 1 से 1 मिनट तक लोगों ने देखी है। इसका जो वॉच टाइम है वो 461 मिनट का टोटल हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करके आ रहा है, पर्टिकुलर वीडियो का पर्टिकुलर हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक नया फ्यूचर है, यहाँ आपने लिखा होगा देखिए रैंकिंग बाय व्यूज़, तो ये वीडियो जो है वो रैंक कर रही है हमारे तीसरे नंबर पर, यानी कि नंबर ऑफ 10 वीडियोज़। तो देखें हम इसको क्लिक करके, तो तीसरे नंबर पर अभी वीडियो हमारी कर रही है, यानी कि एक दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ कैलकुलेट हुए हैं एक दिन के अंदर, जितने भी वीडियोस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं वो 10 वीडियो में तीसरे नंबर की आपकी जो वीडियो है वो यही है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जिसके व्यूज आपने 396। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, इस तरह से कर करके हमारे 10 वीडियो आ चुकी हैं जो एक दिन में इतने व्यूज गेन कर चुकी है। तो चलो नेक्स्ट कोई वीडियो उठा के देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मेरी और वीडियो जिस पर लाखों व्यूज हैं, तो लाखों व्यूज की अगर बात करता हूं तो मैं यहां पे ये भी देख लेते हैं कि अगर वो वीडियो लाखों में चल रही है तो उसकी क्या एवरेज है, क्या ड्यूरेशन है उसका, कितना रेवेन्यू उसमें जनरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये है, तो इसमें टोटल 212,647 व्यूज़ हैं और 1,500 से ज़्यादा लाइक्स हैं, 314 इसमें डिसलाइक्स हैं और 50 कमेंट्स के साथ ये वीडियो मैंने अपलोड की है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर आपको इसका देखिए व्यूज़ दिखा रहा है। व्यूज़ जो है वो 212,816 है और उसके बाद एवरेज ड्यूरेशन देखिए ये भी लगभग 1 मिनट की वीडियो चल रही है लोगों तक, और इसका जो वॉच टाइम है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे इंक्रीज जहाँ पे होता है वहीं आप देखिए एक तीर का निशान है, एक एरो का निशान है ग्रीन कलर का, वो ऊपर की तरफ है यानी कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए दिख रहे रैंकिंग अभी देखिए इसमें क्या है, तो रैंक जो कर रही है पिछले 22 दिनों में, यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट 22 डेज 17 आवर्स कंपेयर इन टू टिपिकल परफॉर्मेंस, यानी कि 22 दिनों के अंदर आपकी जितनी भी वीडियोस हैं, जो 10 वीडियोस हैं उसके 10 वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके हैं जो रैंक कर रही है, तो हमारी 10 वीडियो में सबसे नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, तो नंबर 1 यही हमारा अभी रैंक कर रही है। उसके बाद 22 दिनों के अंदर जो वीडियोस रैंक कर रही है वो देखिए सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, इस तरह से ये आपको रैंकिंग यहाँ पे बता देगा। और यहाँ पे क्या कुछ खास हुआ है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे बैक कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल हिस्ट्री खुल चुकी है। हिस्ट्री खुलने के बाद ये देखिए ये चैनल का है, चैनल के बाद यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आपको इस तरह से कॉमेंट, सारा सेक्शन वही है लेकिन पर्टिकुलर आप अपने वीडियोज़ को आप देख सकते हैं कितने रैंक करी है, कितने व्यूज़ इसमें हो चुके हैं, जो ड्यूरेशन है वो कितना ड्यूरेशन है इसमें, और आपकी वीडियोज़ जो है वो पर्टिकुलर डेज़ में कितनी रैंक करी है और वीडियो के हिसाब से। तो YT स्टूडियो में यही एक नया चेंज आया है, YT स्टूडियो में एक ये बेनिफिट वाला स्टैंड है इस वक्त। तो आप मुझे बताइए दोस्तों क्या ये अच्छा है या बुरा है, और अगर अच्छा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको, और अगर बुरा है तो इसमें क्या ऐड होना चाहिए था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर लेना जो YT स्टूडियो चलाते हैं या फिर यूट्यूब क्रिएटर हैं कुछ भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।